सभी दर्शकों को दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल मेहसाणा कुकस वाले का सादर प्रणाम। तो आज हम सिर्फ कुंडली के अंदर जिनकी भी कुंडली के अंदर शुक्र शनि का योग होगा, यानी कि शुक्र का संबंध शनि के साथ होगा, शुक्र शनि परिवर्तन में होगा, या तो शनि की दृष्टि शुक्र के ग्रह ऊपर पड़ती हुई होगी, तो यूँ समझ लेना कि ये इंसान पूरे वर्ल्ड के अंदर नाम कमाएगा। साथ ये इंसान शायद इंडिया का होगा तो इंडिया में नाम कमाएगा, और वर्ल्ड में होगा तो वर्ल्ड में नाम कमाएगा। तो आज हम शुक्र शनि जन्म कुंडली के बारे में प्रोग्राम करने जा रहे हैं। अभी तक आपने देखा है कि हमने सबसे पहला प्रोग्राम किया था श्री नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर के बारे में, और आज भी आप देख रहे हो। तो आज हम नए प्रोग्राम करने जा रहे हैं। आज हम केंद्रीय हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन की जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। उनका जन्म दिनांक 13 दिसंबर 1954 के रोज दोपहर 12 बजे दिल्ली में हुआ था। उनकी जन्म कुंडली में कुंभ लग्न में मंगल है, मिथुन में केतु है, कर्क राशि में चंद्र गुरु का उच्च नक्षत्र का गज केसरी योग बना हुआ है, तुला राशि में शुक्र शनि, वृश्चिक राशि में सूर्य बुध, धन राशि में राहु। अक्सर शुक्र शनि वाले लोग पॉलिटिक्स में जबरदस्त नाम कमाते हैं, ऐसा हमने देखा है। और दृष्टांत के तौर पर वर्तमान समय में भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के अंदर भी सिंहस्थ शुक्र शनि है, और गुजरात के MLA एक समय के थे और आज भी है, आज भी उनका बहुत बड़ा नाम है, उनका नाम है नरेंद्र अमीन। उनकी तुला राशि है और मेष राशि में शुक्र है। हमारा कहने का मतलब शुक्र शनि का प्रतियोग और गुजरात विधानसभा का रिकॉर्ड जो कांग्रेस का है उसका नाम है मोहन सिंह राठवा। धन स्थान में वृषभ राशि का शनि है और कुंभ राशि का शुक्र है, यानी शुक्र और शनि परिवर्तन योग। अब केंद्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर जो केंद्रीय मिनिस्टर है नितिन गडकरी, पूरे विश्व के अंदर सबसे फास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का अव्वल नंबर रहा है वो नितिन गडकरी के कर्मों की वजह से रहा है। नितिन गडकरी की कुंडली में वृश्चिक में शनि है और वृषभ राशि में शुक्र है। शुक्र शनि का प्रतियोग ये देखने को मिलता है। और महाराष्ट्र की MLA साइना NC यानी कि साइना नाना चुड़ास्मा, उनकी कुंडली में तुला राशि में शुक्र है और वृषभ राशि में शनि है। शुक्र शनि परिवर्तन योग में है। और महाराष्ट्र के MP नवनीत राणा कौर की जन्म कुंडली में मीन राशि का उच्चा शुक्र और शुक्र की दृष्टि संबंध वृश्चिक राशि के शनि पर जो भी निर्दलीय उम्मीदवार ने जबरदस्त नामना पाई है, केंद्रीय लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला की कुंडली में तुला राशि का स्वग्रही शुक्र और मकर राशि में स्वग्रही शनि, शुक्र के ऊपर शनि की दृष्टि, ये दोनों ग्रह स्वग्रही इंसान को जबरदस्त कीर्ति प्रदान और कीर्ति ध्वज लहराता नजर आता है। और क्रिकेटर गौतम गंभीर की जन्म कुंडली में कन्या राशि में शनि और वृश्चिक राशि में शुक्र, यानी कि शनि की तीसरी दृष्टि शुक्र पर गिरने से क्रिकेट में से वो एक बार दिल्ली के CM भी बन गए। और अमित शाह की जन्म कुंडली में देखने जावे तो कुंभ राशि का शनि और सिंहस्थ शुक्र यानी कि शुक्र शनि प्रतियोग, और दूसरा देखने जावे तो BJP के अध्यक्ष हर्षवर्धन की जन्म कुंडली इतनी पावरफुल है कि बात ही मत पूछो। तो उनकी जन्म कुंडली में छठे स्थान में कर्क राशि में चंद्र और गुरु पुष्य नक्षत्र का जो उनको जबरदस्त नामना दिलाई
और हमने एक बात भी मार्किंग किया है कि समग्र सूची में ज़्यादा कौन से ग्रहों की पोजीशन की वजह से इंसान पूरे विश्व में घूमता फिरता नजर आया है, तो उसका एक दूसरा भी प्रमाण हम देते हैं। जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष है, उनकी कुंडली में लाभ स्थान में धन राशि के शुक्र शनि है, तो आज पूरे देश में उन्होंने अपना कीर्ति ध्वज हासिल किया और कीर्ति ध्वज लहराया। सुबह सफर शाम सफर, जिंदगी तेरा नाम सफर। हम तो एक ही बात मानते हैं, जन्म कुंडली के अंदर देखने जावे तो जो भी व्यक्ति की कुंडली के अंदर शुक्र शनि का योग अगर बनता होगा, वो इंसान को एक बार भी पॉलिटिक्स में आना पड़ता है और आ गए हैं। हमने इतनी सारी कुंडली का प्रिडिक्शन देश की जनता की नज़र के समक्ष पेश किया है, आज तक कोई भी एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा प्रिडिक्शन कभी नहीं किया। ये हमारी चैलेंज है और आने वाले दिनों के अंदर भी आप देखोगे कि दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल मेहसाणा कुकस वाला इतना प्रसिद्ध हो गया है, आज हमारे गांव का नाम भी प्रसिद्ध हो गया है हमारे नॉलेज की वजह से। कई मिनिस्टर और कई लोग हमें मिलने के लिए आते हैं, तो उन लोगों का कहना ये की है कि आप जैसा प्रिडिक्शन आज तक हमने किसी भी एस्ट्रोलॉजर के साथ देखा नहीं है। तो मैं बोला भाई हमारी इस उम्र में आज हमारा 45 साल हो गया और हमसे एक भी क्लाइंट नाराज नहीं है, और वो भी क्लाइंट बार बार दूसरे लोगों को भेजता रहता है। बोले आप अगर अपनी रियल लाइफ देखना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल से अवश्य मिले, ताकि आप हमको पूरी लाइफ याद रखोगे। तो अब जो भी दर्शक हमारा कांटेक्ट करना चाहता है, हमारा कांटेक्ट नंबर है 9638420321। सभी दर्शकों को दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल मेहसाणा कुकस वाले का सादर प्रणाम।